प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया लायक जी, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत में रह रहे जो शांति दूत हैं उनको भी उधेड़ के रख दिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हमारा अटैक करवाया था उसके लिए पाकिस्तान माफी मांगेगा, अजमल कसब को भेजा था उसके लिए पाकिस्तान माफी मांगेगा, लश्करे तैयबा और यासिन मलिक को दल्ला बना करके बेनजीर भुट्टो ने हमारे कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार किया उसके लिए माफी मांगेगा, कश्मीर को दहशत गर्द बनाने का जो स्ट्रैटेजी बेनजीर भुट्टो ने बनाया था उसके लिए माफी मांगेगा, कश्मीरी पंडितों की बेटियों के जो वस्त्र उतारे गए उनके साथ जो बलात्कार हुआ उसके लिए माफी मांगेगा, किन किन चीजों के लिए माफी मांगेगा क्या? या पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए उनका खून और उनके घर वालों के आंसू क्या हम भूल जाए? हम तो नहीं भूलेंगे, मैं तो नहीं भूलूंगी, कोई भूले तो भूले, मैं तो नहीं भूलने वाली। किन किन चीजों के लिए पाकिस्तान माफी मांगेगा और आप किससे माफी मांगिएगा? आप फ्रांस से माफी मांगिएगा, आप अमरीका से माफी मांगिएगा, आप स्वीडन से माफी मांगिएगा, आप स्विट्जरलैंड से माफी मांगिएगा, आप लंदन से माफी मांगिएगा, इवन आप अरब से माफी मांगिएगा। अरब भी तो आपको निचोड़कर फेंक रहा है, अरब भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, ईरान भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, खतर भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, तुर्की भी तो आपको उंगलियां दिखा रहा है, अफगानिस्तान तो आपको उंगलियां नहीं दिखा रहा है, आपको बॉम्ब भी दिखा रहा है। आप किससे माफी मांगिएगा? जो अफगानिस्तान के लोग 40 साल से पाकिस्तान में मुहाजिर बनकर के बैठे रहे, आपने उसको सिटीजनशिप नहीं दिया, आप उसके जमीन जायदाद को हड़प करके उनकी बहु बेटियों की इज्जत को लूट करके आप उनको धक्के मार करके निकालते हैं और आप कहते हैं माफी की बात? किससे माफी मांगिएगा और क्या क्या बात की माफी मांगिएगा? आज जो आपने कहा कि नई सरकार आई है और चेहरा किसका है? वही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जो नवंबर में 2023 के नवंबर में यासीन मलिक की बेटी को मंच पर खड़ा करके आजादी का नारा लगवा रहा था और मेरे भारत के प्रधानमंत्री को मलाइंग और डिफेम कर रहा था, 12 साल की बच्ची को आतंकी बातें सिखा रहा था बगल में बैठ करके, यासीन मलिक की बेटी को, 12 साल की बच्ची को, और आपको आपको अचानक से एक सपना आता है कि अब तो हमको माफी मांग लेनी चाहिए। देखिए मुसलमान फितरत, जिस थाली में खाता है मुसलमान उसी थाली में लुंगी उठा करके हग देता है, ये मुसलमानों की फितरत है। मुसलमान एक ऐसा अपने आप को एक ऐसा मजहब बना चुका है जिसको टेररिज्म, जिसको रेपिस्ट, जिसको चोर, जिसको चट्टा, जिसको लफंगा, जिसको आवारा, यही बोला जाता है। सर भारत क्यों बोलेगा? सर भारत क्यों बोलेगा? चलिए मेरे साथ फ्रांस, फ्रांस भी बोलता है मुसलमानों को। आप ब्रिटेन चलिए मेरे साथ, ब्रिटेन भी बोलता है मुसलमानों को। आप अरब चलिए ना मेरे साथ, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो अरब भी गालियां देता है, अरब भी हाथ पकड़ करके अरब से निकाल देता है। क्यों अबू धाबी का ट्रैफिक का सबसे बड़ा ऑफिसर खड़ा होकर के ये कहा कि यहाँ तो दारू पी करके लड़कियों को छेड़ने का काम पाकिस्तान मुसलमानों का है, पाकिस्तान के मुसलमान करते हैं। आप क्यों दारू पीते हैं? हमारे कुरान ने तो इजाजत नहीं दी दारू पीने का। और पाकिस्तान इस्लामिक देश में आपके यहाँ तवायफ खाना क्या करता है? आपके यहाँ लड़कियां बेची और खरीदी क्यों जाती हैं? आप तो इस्लामिक देश में हैं, क्या हो रहा है आपके यहाँ? अरे मुसलमानों की एक फितरत है, हिंदू मिले तो उसको काटो, यहूदी मिले तो उसको काटो, क्रिश्चियन मिले तो उसको काटो, पंजाबी मिले तो उसको काटो, सिख मिले तो उसको काटो, और कोई ना मिले तो फिर शिया को काटो, तो फिर यहूदी को काटो, तो फिर देवबंदी को काटो, तो फिर बरेलवी को काटो। आपका काम और मुसलमानों का काम काटना, मारना और बलात्कार करना ही है। मुसलमान पुरुष, मुसलमान मर्द तीन औजार के साथ घूमते हैं, एक पैंट के जिप में औजार होता है जिससे वो बलात्कार करते हैं, एक जुबान में औजार होता है जिससे वो गाली गलौज करते हैं, और एक औजार जो आपके पाकिस्तान से आता है बम गोली बारूद। तीन औजार के अलावा मुसलमानों को आता क्या है? अब आती है आपकी दूसरी बात, कश्मीर लोग आओ ना, आके दिखाओ ना,
अरे जुबान तो मुसलमानों की आज से नहीं लंबी है, 1450 साल से लंबी है। आके दिखाओ ना, हम तो कश्मीर तो नहीं लेंगे, साथ में लाहौर भी लेंगे क्योंकि प्रभु राम के पुत्र का है लाहौर बताया हुआ। आप कश्मीर की बात कर रही हैं, आप पीओके की बात कर रही हैं। पीओके में तो हमने घोषित कर दिया हमारे गृह मंत्री ने कि 24 सीटें दी जाएंगी और वहां पर इलेक्शन होगा और होके रहेगा। अरे क्या है आपका पाकिस्तान, चुटकियों में बेचेगा, इतना बड़ा बिकाऊ है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आप अपने पोर्ट की धमकी दीजिएगा, बिका हुआ है आपका। आपके पाकिस्तान का कितना हिस्सा बेच चुका है आपकी सरकार, कितने हिस्सा बेच चुकी है ये आपको भी नहीं पता होगा। जो पाकिस्तान अपनी बहू बेटियों को बेचता है, जो पाकिस्तान अपनी बहू बेटियों को भेजता है, जो पाकिस्तान अपनी बहू बेटियों को हनी ट्रैप करके, हनी ट्रैप जैसा धंधा पे बैठाता है, वो पाकिस्तान पीओके बेचने में कितना समय लगाएगा, कितना समय लगाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें खरीदने की भी जरूरत नहीं आन पड़ेगी। जब पाकिस्तान, जब पीओके के लोगों को हम बिजली देंगे, पानी देंगे, हम उनको सारी सारी फैसिलिटीज देंगे, तो वो खुद बखुद बाहें फैला कर कहेंगे कि हम तो आपका ही हिस्सा है, हम तो आपके ही थे। और हम देखो, मैं तो क्लियर तुमसे कह रही हूँ, मैं बहुत ब्लंट, मैं क्लियर कह रही हूँ कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर हम पीओके को बिजली, पानी, खाना, हॉस्पिटल हम देंगे। और जैसे ही पीओके का इलेक्शन कंप्लीट होगा, हम लाहौर लेंगे। उसामा बिन लादेन की आपने बात उठाई है, और मैं आपसे कह रही हूँ और बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि दाऊद इब्राहिम को आपने बसा कर रखा है, उसका उसका संधि उसको रखा हुआ है, और उसको भी निकालेंगे हम लोग, उसको भी निकाल के दिखाएंगे आपकी पाकिस्तान की सरजमीन से। चैलेंज दे रहे हैं, अब सुधर रहे ना पाकिस्तान, कह रहे सुधर रहे। अब हमने माजी की गलतियों से बहुत सीखा, अब हम बेहतरी की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की जान नहीं छोड़नी। नहीं, बेहतरी की तरफ अगर आना चाह रहे होते तो अभी 14 दिन पहले आपके पाकिस्तान का औरत के अंदर एक औरत फाउंडेशन चलता है, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन यूएन को नहीं भेजा होता तो फिर से 1000 बच्चों का कन्वर्शन करवाया गया है। अगर वाकई में पाकिस्तान तहजीब और तमीज सीख रहा होता तो आपके पाकिस्तान का औरत फाउंडेशन यूएन को रिप्रेजेंटेशन 14 दिन पहले जमा नहीं किया होता तो फिर से 1000 बच्चियों का कन्वर्शन करवाया गया है, और जिसमें 9 साल की बच्ची का निकाह एक 72 ईयर ओल्ड के बुढ़िए के साथ करवाया गया है। ये औरत फाउंडेशन ने रिप्रेजेंटेशन किया है, और अब तो पाकिस्तान के औरत फाउंडेशन ने, आप अपडेट नहीं रहती हैं, लेकिन मैं पूरा रहती हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मैं बड़ा अपडेट रहती हूँ। सुधर रहा होता ना तो आपको दुपट्टे का एहसास कभी नहीं दिलाया था। सुधर रहा होता ना तो आप जब पब्लिक रिएक्शन के लिए जाती है ना तो साउंड को गालियां ना दे रहा होता। देखिए, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान 72 वर्जिन हूरों के दीवाने हैं, उनको हर जगह वर्जिन चाहिए होता है। हाँ, जमीन में हाथ में पत्थर होता है, आसमान में 72 वर्जिन हूर होती है, इसके अलावा मुसलमानों का और कोई चरित्र ही नहीं। चले, होप फॉर द बेस्ट, आप बस मेहनत करती रहिए। मैं आपसे ये कहूंगी, जिस तरह से आप बोलती है मुझे समटाइम बड़ा डर महसूस होता है कि हमने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं कि वो बड़े अजीब से अटैक्स शुरू कर देते हैं, तो आप अपना खास खास ख्याल रखा करें, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, ये बात बिल्कुल सच, और सच हजम नहीं होता। हाँ, चापलूसियां और मीठी बातें सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सच सुनना कोई आज के जमाने में तो पसंद नहीं करता। और जिस तरह से आप बात करते हैं, देखिए तल्ख है लेकिन कहीं पे गलत नहीं है। मैं आपके साथ जब शो करती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं आपको काउंटर कर सकती हूँ, मैं आप चाहूँ तो कितना, लेकिन वो जो सच होता है उसको आप समझे, उसको एक्सेप्ट करें। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहे हिफाजत से रहे और खैरियत से रहे, और मुसलमान है तो भी हमें एक जान है, अल्लाह ले या बंदा ले, एक जान है अल्लाह ले या बंदा ले। और जान से शैला, जब एक नुक्ते से खुदा जुदा होता है, नुक्ता ऊपर डालो तो खुदा, नुक्ता नीचे डालो तो जुदा, तो फिर मेरा मेरा क्या है। हाँ, एक नुक्ते से खुदा और एक नुक्ते से जुदा, वाह क्या बात बोली। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और थैंक यू सो मच नाज़िर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
और मैं यही कहूंगी कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करना पड़ेगा, और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो पाकिस्तान को भारत जो है आइसोलेट कर रहा है। ये बात मैं दोबारा से कह रही हूँ कि पाकिस्तान को भारत आइसोलेट कर रहा है। हर फोरम के ऊपर भारत के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, हर बड़ी कंपनी के अंदर भारतीय मौजूद है, और जब तक पाकिस्तान अपने बचाव के लिए खुद स्टेप नहीं उठाएगा, भारत कभी पाकिस्तान को आगे नहीं आने देगा। ये बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा हमें। अगर आगे बढ़ना है तो भारत के साथ बैठना ही पड़ेगा उनकी टर्म्स पे। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय, कमेंट पर शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि जो भारत और पाकिस्तान में शांति दूत रह रहे हैं उनको भी जम के धोया, और खासकर बात की पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान अपनी बहु बेटियां बेच सकता है तो कितना ही वक्त लगेगा पाकिस्तान को पीओके बेचने में। और यह भी कहा जाता है कि वैसे भी पाकिस्तान जो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी बेचने की तैयारी पर है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।